राजधानी दिल्ली के वेलकम थाना स्थित कैसफ पार्क में उस समय हड़कंप मच गया जब एक लड़के का शव यहां पर मिला। जी हां, मृतक की पहचान अरबाज के रूप में हुई है। वो अपने घर से 31 तारीख को खाना खा रहा था, तभी कुछ दोस्त उसको बुलाकर ले गए, ऐसा परिजनों का आरोप है। उसके बाद अगले दिन सुबह पता चला है कि उसकी खून से लथपथ लाश जो है पार्क के अंदर मिली है। अरबाज के ऊपर चाकुओं से कई बार हमला किया गया, हालांकि हमलावर कौन थे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन उसका मोबाइल कौन चला रहा था, तमाम बातें जांच और विषय का है, जिससे कह सको कि उसका मोबाइल भी मौके से गायब है। अब देखना होगा कि किस तरीके से अरबाज की हत्यारों तक दिल्ली पुलिस पहुंच पाएगी। लेकिन अरबाज की हत्या के बाद परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर अरबाज की हत्या करी गई थी। आखिरकार यह हत्या किस लिए हुई थी, अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ातरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। बादल नाम बताइए। फरजाना। हाँ फरजाना जी, बेटे की कल डेड बॉडी मिली थी, वो कौन है आपका बेटा? अरबाज। अरबाज कब से लापता था वो और आपको कैसे? हाँ, 31 तारीख से। कैसे जानकारी मिली आपको कि आपके बेटे की डेड बॉडी पार्क के बाहर मिली है? वो मुझे लड़का, मेरे पास एक लड़का आया था कन्हैया, वो कहने लगा कि आंटी तुम्हारे बेटे का मर्डर हुआ है, उसके चाकू भोंके गए हैं। हमने कहा कहाँ पर हुआ? कहने लगा मेरे भाभी का लड़का बता रहे हैं। हमने कहा उसे मेरे घर तक ले आओ। वो मेरे घर लाया, उनने हमें पूरी कहानी बताई। क्या तुम वहाँ जाओ पार्क में ज्योति कॉलोनी, हम वहाँ गए, हमें वहाँ चार लड़के मिले, उन्होंने हमें सब बात बताई कि टोपी पहना था लड़का। हमने कहा हाँ, क्या एक अरबाज था, एक सोनू था, एक उसके साथ बादल था, उन लोगों ने मारा, हम मार के बाइक पे ले गए। अब हमें नहीं पता कहाँ ले गए। मैं वहाँ तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अभी कुछ नहीं सुन रहे, मेरी कुछ नहीं सुन रहे, और यही कह रहे हैं कि डेड बॉडी ले जाओ। मैं कैसे डेड बॉडी ले जाऊं, मेरे तो पेट में आग मच रही भैया। कितने साल का माता जी बच्चा आपका? मेरा तो 16 साल का था, 70वीं में लग गया था। फोन बंद करो अपना। हमें कहीं भी चैन पड़ेगी, मेरा बच्चा नहीं है, हमें इंसाफ दिलाओ मेरे। अच्छा, किसी के आपको कोई घर से बुलाने आया था? हाँ, बादल, बादल राहुल इनके भाई। राहुल है जो बुलाने आया उसका? जो राहुल, उनने कहा अरबाज जल्दी आ जा, बस बादल बाहर खड़ा, बादल बाहर खड़ा था। दोनों ले गए मेरे लड़के को, उसके बाद में हमें नहीं पता कि कैसे मारा। अब वो लापता है, उसकी मम्मी हमें नहीं बता रही, कह रही नशा मुक्ति में है मेरा लौंडा। हमने उनसे कहा नशा मुक्ति में। शहनाज। शहनाज जो लड़का अरबाज है वो आपका क्या लगता है? भतीजा लगता है। शहनाज क्या हुआ है अरबाज के साथ, आपको क्या जानकारी मिली है? हमें तो यही जानकारी 11 बजे कॉल गया हमारे मालिक का कि मतलब फरजाना का लड़का गुम हो गया, आएगा लड़के का पता नहीं लग रही आएगा उसका, और ऐसा है कि पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, उसे ढूंढो चल के। तब हम लोग गए उनके घर, तो ये FIR कराने आई थी, हम वहाँ इनके बच्चों के पास बैठे रहे। तो जब पार्क में ये गई तो पार्क में यही पता चला कि तुम्हारे लड़के का मर्डर हो गया, और जब इनके पापा पूछने लड़के गए तब भी उनसे यही किया कि लड़के के तुम्हारे मर्डर हो गया, वेलकम थाने चले जाओ, वेलकम थाने से सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जब वेलकम थाने आए तो जो सच्चो थे वो जा चुके थे अपने घर, उन्हें कॉल करा तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा सुबह आ जाइए आप, जो लाश लेके आए हैं वो हैं नहीं यहाँ। जब सुबह हम आए तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है भाई, हमें जो आपको लावारिस लाश मिली है मुझे उसका फ़ोटो दिखा दो, तो उन्होंने हमें उसका फ़ोटो दिखाया, तो हमने उसे बच्चे को तुरंत पहचान लिया। तो जब से हम आए हैं तो जब से वहीं खड़े हैं, समझ लो 8 बजे से, अब दिन के 2:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं। ये बताइए डेड बॉडी कहाँ मिली थी? डेड बॉडी पार्क में बता रहे हैं ये मिली है, नाले के पास वेलकम में ही मिली है। किस चीज़ से उसको मारा गया? चाकू से मारा गया, 8-9 चाकू लगे हुए हैं लड़के के पेट में, ये इतनी पता है मुझे, मगर अभी हमने आंखों से नहीं देखा है लड़के को। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं साहब। देखो हम घरों का काम करते, बाप मजदूरी।
नाम नैना है और कल परसों मैं अरबाज की बहन हूँ। परसों मेरा भाई खाना खा रहा था आराम से बैठ के, दो लड़के आए बुलाने उसे, एक का नाम राहुल था और एक का नाम बादल था। बादल कोने में ही खड़ा हुआ था गली में, वो घर तक नहीं आया। राहुल बुला के ले गया हमारे घर से, वो जा नहीं रहा था पहले से ही, उसने बहुत बार मना करा कि मैं नहीं जाऊँगा अभी, लेकिन वो ले कर चला गया उसे। और जब से ले कर गया है 31 तारीख से, जब से कुछ पता नहीं है उसका। और आज सुबह हम आए हैं 2 तारीख को, तो उसकी डेड बॉडी दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सारों ने मिलके मार दिया है। अब पता नहीं किसने मिलके मारा है, 8-9 लोग ने मारा है, जिसमें बादल हमें पता नहीं चला है, मेन पॉइंट वही है, उसने ही मारा है। और जो वो है राहुल, वो तो अंदर बैठा हुआ है, उससे कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो मना कर रहा है कि बादल कहाँ गया है। तो हमें तो इंसाफ ही चाहिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।